माँ बहुत स्ट्रिक्ट है। रीम तुम्हें याद है, दो दिन में शेखा की पार्टी है, हमें जाना है। किस टाइम? सुबह के 10 बजे। वाह, आती हूँ मैं। रीम रीम, आइसक्रीम चाहिए क्या? बिल्कुल, तुम्हारी मम्मा तुम्हें आइसक्रीम खाने देती हैं? हाँ, और क्या। हाँ, डिनर से पहले तुम लोग आइसक्रीम खा रहे हो, तुम लोगों का पेट खराब हो जाएगा। मॉम, रीम को आइसक्रीम खानी है। इस घर के कुछ नियम है। इस घर में कुछ भी करना बहुत मुश्किल है। भूखे हो तो बनाना खाओ, भूख लगने पर खाना खाओ, कैंडी और आइसक्रीम नहीं। मॉम आप बहुत स्ट्रिक्ट हो। ऊपर वाला ही अकल दे। चलो रीम, हॉरर मूवी देखते हैं। मुझे डर लगता है। डरो मत, सोने से पहले मजे करेंगे। ओके। डरावना है शफा। डरो मत तुम। शफा, बुलाने पे इतना डर गई? मॉम आपने डरा दिया। डर का कारण समझ गई। मॉम टीवी क्यों बंद कर दिया आपने? कितनी बार बोला है सोने से पहले हॉरर मूवी मत देखो, बुरे सपने आएंगे, सो नहीं पाओगी। हाँ, चिप्स खा रहे हो? रीम, तुम्हारी मॉम ने बुलाया है, वो बाहर खड़ी हुई है। ओके, बाय शफा। बाय शफा, जाओ सीधे जाके बेड पे सो। ओके। हाँ, हर चीज को खराब कर देती है। मॉम यहाँ पे नहीं है, वीडियो गेम खेलती हूँ। जीत गई। शफा, मॉम जीतने ही वाली हूँ। 11 बज रहे हैं, तुम यहाँ बैठी हो। ओ, अगर तुमने बंद नहीं किया तो मैं कंप्यूटर बंद कर दूंगी। मॉम जीतने ही वाली थी, आपने बंद क्यों कर दिया? कल छुट्टी है तो मैं आज रात में जाग सकती हूँ। ये रूल है, जल्दी ही सोना पड़ेगा तुम्हें। ब्रश करके जाकर सो जाओ। हर वक्त रूल्स रूल्स, परेशान हो गई हूँ मैं। गॉड, ये कब समझेगी कि मैं जो कुछ करती हूँ उसकी भलाई के लिए करती हूँ। इसके लिए कोई सलूशन ढूंढना ही पड़ेगा मुझे। एक आइडिया है। गुड मॉर्निंग मेरी बेटी। गुड मॉर्निंग मॉम। मेरे पास एक नई रेजोल्यूशन है। उसके कुछ नए रूल्स भी होंगे। नहीं, सुनो तो मेरी बेटी। क्या मॉम? 24 घंटे के लिए कोई रूल नहीं होंगे। हाँ सच? इसका मतलब जो मैं चाहे वो कर सकती हूँ? हाँ, कल रात के 10 बजे तक जो चाहे तुम कर सकती हो। ये बेस्ट डे है। मैं कुछ भी करूँ आप कुछ नहीं बोलोगी? हाँ, मैं ना नहीं बोलूँगी। ये यस आइसक्रीम। ये लंच में आइसक्रीम खाऊंगी। बेस्ट डे है। हाँ, लंच में आइसक्रीम। हाँ मॉम, आपने कहा है कि जो चाहे मैं कर सकती हूँ। ओ हाँ, भूल गई थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। जो चाहे मैं खा सकती हूँ। बहुत टाइम बाद खाई है चॉकलेट। शफा, मैं बाहर जा रही हूँ। शफा, ये सब खाना तुम्हारे लिए सही नहीं है। आपने कहा था मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो मुझे खाने दो। ओके, भूल गई। रीम को मैंने यहाँ बुलाया है अपने साथ सोने के लिए। ओके ओके, हम साथ में खाएंगे और हॉरर मूवी भी देखेंगे। ओके, क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? बिस्किट को मत भूलिएगा। ओके। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारी माँ ये सब करने दे रही है। मेरा पेट। क्या हुआ शफा? कैंडीज की वजह से हुआ है। मेरा पेट, मेरा पेट। लड़कियों, तुम ठीक हो? हाँ हाँ, हम ठीक हैं। ओके, तुम चाहते हो कि मैं डिनर बनाऊं? नहीं नहीं, कैंडी बहुत है, डिनर मत बनाओ। ये हेल्दी नहीं है, तुम्हारे पेट में दर्द हो सकता है। मॉम आपने कहा था जो चाहे वो करूं। मुझे क्या करना, जैसे तुम्हारी मर्जी। हे, देर तो जगेंगे। रात के 2:30 बज रहे हैं। नींद आ रही है, सोना है मुझे। आज ही के दिन तो हमें सिर्फ लेट सोने को मिला है, और मेरी माँ आज मुझे कुछ कह भी नहीं सकती है। हॉरर मूवी देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। चलो देखते हैं। चलो।
देखो जरा। हॉरर मूवी देखने से मुझे बुरे सपने आते हैं। मैं और नहीं देख सकती, मैं सोने के लिए लिविंग रूम में जा रही हूँ। मैं लेट तक जागूंगी। रीम लाइट को खोलो। शफा डरपोक मत बनो। डोर किसने बंद किया? जाके चेक करती हूँ। पेट में दर्द हो रहा है। हाँ, शफा अभी तक सो रही हो? चलो उठ जाओ। हॉरर मूवी देखी होगी तो डरावने सपने तो आएंगे ही। हाँ मम्मा। रात में कब तक जागी? याद नहीं पर शायद 4:30 तक। चलो मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है। ओके। हाँ, पेट मेरा आई। शफा तुम्हारे लिए फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया है मैंने, ये लो। पेट में दर्द हो रहा है, नहीं खाना मुझे। कल रात में तुमने बहुत ज्यादा स्वीट्स खाए हैं। मैंने कहा था ये सब मत खाना तुम। मेरा पेट। कितने बज गए? दोपहर हो गई है। अरे नहीं, शिखा की पार्टी चली गई। अरे पार्टी मिस हो गई। इस पार्टी का कब से इंतजार था। हाँ। यही डिजर्व करते हो। मॉम पार्टी के लिए उठाया क्यों नहीं आपने? तुमने कहा था तुम अपनी मर्जी करना चाहती हो। शफा मैं तुम्हें अगले 24 घंटे और देती हूँ। सच में मम्मा? आई मेरा पेट। तुम्हारी फेवरेट डिश बनाकर लाती हूँ मैं। मेरा पेट। आइसक्रीम। आइसक्रीम? नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। तुम श्योर हो? हाँ, मुझे इसे देखने भी नहीं है। नहीं नहीं खा लो ना। मॉम आई एम सॉरी, मैंने आपके रूल्स को बिल्कुल नहीं माना। स्वीट्स के कारण मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है। लेट जागने के चक्कर में पार्टी भी चली गई। मेरी बेटी कोई बात नहीं। मॉम अगली बार से आपके सारे रूल्स मानूंगी। गॉड ने तुम्हें अकल दे दी। शफा फ्रूट। मुझे तो यही चाहिए था। रीम थैंक यू। हेल्दी फूड है। हाँ प्यारी मम्मा। खाने हैं। आओ आओ मजेदार कॉर्नफ्लेक्स यहाँ दिखाओ। नहीं सब मुझसे ही लेंगे क्योंकि मेरे सैंडविचेस बहुत ही टेस्टी और फ्रेश हैं। देखते हैं। ओके। आओ आओ आओ। भूख लगी है। हाँ वो खाना बेच रहे हैं, वहाँ चलती हूँ। यहाँ चाहिए? मुझे कुछ कॉर्नफ्लेक्स दे दो ना। अच्छा क्या तुम पे पैसे हैं? पैसे नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। पैसे नहीं है तो यहाँ क्यों आई हो? बहुत तेज भूख लग रही है। मेरी दुकान से निकल जाओ तुम। ओके ओके। यहाँ आओ, मैं फ्री में दूंगी तुम्हें। हाँ शुक्रिया। मैंने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। तुम्हें जो चाहिए यहाँ से ले लो, सब फ्री है। थैंक यू, तुम कितनी अच्छी हो। मुझे 2 न्यूट्रेला सैंडविच और 1 चॉकलेट मिल्क दे दो। देती हूँ। ग्लव्स। बहुत अच्छे न्यूट्रेला सैंडविच बनाऊंगी। चॉकलेट्स। यम्मी न्यूट्रेला। न्यूट्रेला से डेकोरेट करती हूँ। ये लो। यम्मी। थैंक यू, भूख लगी है। ये लो चॉकलेट मिल्क। तुम बहुत दयालु हो। रोज ब्रेकफास्ट करने आऊंगी मैं। आ जाना, मैं तुम्हारा हमेशा वेलकम करूंगी। तुम्हारे इस काम को मैं भूलूंगी नहीं। थैंक गॉड मुझे ये मिला। रिफ्रेशिंग। पीती हूँ। टेस्टी। मेरा पेट भर गया। थैंक यू शफा, बहुत ही टेस्टी था सबको। योर वेलकम। चलो बाय बाय। गरीबों की मदद करके अच्छा लगता है।
मदद करके तुम खुद को अच्छा साबित करना चाहती हो? अच्छे काम करो तो गॉड खुश होते हैं। तुम भी उसकी जगह हो सकती हो। शर्म करो तुम। डिस्टर्ब मत करो। किसे खरीदना है? किसे खरीदना है? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ, यम्मी सीरियल। ब्रेकफास्ट करती हूँ। आ जाओ, आ जाओ। हेलो, मुझे कॉर्नफ्लेक्स दो। आए, कौन सा फ्लेवर? चॉकलेट, वनीला और शुगर। मुझे चॉकलेट। ओके, कॉर्नफ्लेक्स शफा के सैंडविच से बहुत अच्छे हैं। कौन समझाए? सर, जल्दी करो। ओके ओके। गजल मेरे ऊपर क्यों फेंक रही हो? डस्टबिन में फेंको। सॉरी सॉरी, गलती से। फ्रेश मिल्क। गर्मी। मेरी बोतल से पी लिया, कप से भी तो पी सकती थी। मेरा मिल्क तो मेरी मर्जी। लो। कितने का हुआ कॉर्नफ्लेक्स? 100। इतना महंगा? ये मेरे प्राइस है। सॉरी, नहीं चाहिए। वापस नहीं होगा? नहीं चाहिए। यहाँ आओ, यहाँ आओ। दोबारा कुछ नहीं बेचूंगी इसे। हेलो शफा। हेलो, न्यूटेला सैंडविच चाहिए? मुझे तुमसे चाहिए एक न्यूटेला सैंडविच। ओके, देती हूँ। ग्लव्स पहन लेती हूँ। ब्रेड, चॉकलेट। यम्मी न्यूटेला। प्लेट ये लो। सोसो, थैंक यू। कितने पैसे हुए? सिर्फ 5 रुपए। लो। थैंक यू सोसो। मैं तुमसे हमेशा लूंगी। बाय बाय। सोसो अच्छा लगा? आज तक का बेस्ट सैंडविच है। थैंक यू सोसो। पेट भर गया। बाय। किसे चाहिए? किसे चाहिए? आओ। हेलो, मुझे कॉर्नफ्लेक्स चाहिए। कौन सा फ्लेवर चाहिए? कौन से फ्लेवर्स हैं? ये सामने दिख नहीं रहे हैं क्या? बदतमीज हो तुम। तुम अपने आप से पसंद कर लो ना इन्हें। कौन सा लूं? हाँ। इसे नीचे रखो। मुझे चाहिए। बॉक्सेस को छूना यहाँ बिल्कुल मना है। कॉर्नफ्लेक्स बॉक्स का रेट बताओ। इसकी कीमत 100 रुपीज है। 100 रुपीज? पागल हो क्या? यही रेट है। ठीक है, नहीं चाहिए। मैं जा रही हूँ शफा पे। हाँ शफा। शफा तो खुले में बेचती है। उसके सैंडविच में कीड़े मकोड़े भी लगते हैं, मक्खियाँ भी लगती हैं। मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। हेलो, न्यूट्रेला सैंडविच मिलेगा क्या? हाय ब्यूटीफुल, जरूर मिलेगा। मुझे बनाना मिल्क भी देना। ओके। पता है गजल ने तुम्हारे बारे में क्या बोला? क्या बोल रही थी? सैंडविच तुम खुले में बेचती हो, उसमें मक्खियाँ लगती हैं और कीड़े भी हैं। उसकी बात पे यकीन नहीं करना। मैं तो बिल्कुल नहीं करती। वो बहुत ही ज्यादा बदतमीज है। गॉड उसे ग्राहकों से बात करने की समझ दे। मैं तुम्हारे लिए अच्छा सैंडविच बनाऊंगी। हो गया। यम्मी। कितने पैसे हुए? 10 रुपए। ओके, लो। थैंक यू। वेलकम। बाय। कितना डिलीशियस लग रहा है। रिफ्रेशिंग। थैंक्स शफा। वेलकम। तुम तो बहुत ही अच्छी सेल्स व्यूमन हो। थैंक यू, तुम भी अच्छी हो। बाय बाय। गजल तुम मेरे बारे में क्या बोल रही थी? सब तुम पे ही चले जाते हैं। इस तरह से तुम कामयाब नहीं होगी। अपना काम करो। आ जाओ, मुझसे सामान खरीदो। हेलो, किस तरीके के कॉर्नफ्लेक्स हैं आपके पास? ये आपके सामने हैं, खुद ही देख लो ना। ओके, ये कौन सा फ्लेवर है? ओटमील है, दिखता नहीं है क्या? बदतमीज लड़की, बात करने का तरीका नहीं है। नहीं खरीदना तुमसे। हाँ ठीक है, तुम वैसे भी नहीं खरीदती। खरीदने ही आई थी, लेकिन तुम्हारे बिहेवियर के चलते नहीं लेना मुझे। तुम चाहती हो तुमसे लोग सामान खरीदे तो अच्छे से पेश आया करो। मेरा एटीट्यूड यही रहेगा। तो मैं जा रही हूँ शफा पे। रख लो अपना एटीट्यूड संभाल के। इन्होंने तो मेरा दिमाग ही खराब करके रख दिया है। हेलो शफा, कैसी हो? हाय। मैं न्यूट्रेला सैंडविच और ड्रिंक बेच रही हूँ। मुझे 3 न्यूट्रेला सैंडविच और 3 बॉटल मिल्क चाहिए। ओके। मेरी बेटी को तुम्हारे न्यूट्रेला सैंडविच बहुत पसंद है। थैंक यू। एक एक्स्ट्रा न्यूट्रेला भी। ओके।
स्ट्रॉबेरी मिल्क। ये लो स्वीट हार्ट। थैंक यू। यम्मी। ये है ड्रिंक्स। थैंक यू। वेलकम। बाय बाय। हाँ मॉम का फोन आया है, जाती हूँ। वो औरत पर्स भूल गई। शफा से बदला लूंगी। शफा का बैग। अब सबक मिलेगा। शफा क्या तुमने मेरा पर्स देखा? नहीं, है? यहाँ रह गया था। मैंने नहीं देखा। कहाँ चला गया? नहीं पता। गजल तुमने मेरा पर्स देखा? हाँ, वो शफा के ब्लैक बैग में रखा है। गजल तुम श्योर हो? मैंने देखा था। आई स्वर मैंने नहीं लिया पर्स। शफा क्या मैं तुम्हारा बैग देख सकती हूँ? ओके। अंदर कुछ नहीं है। हाँ हाँ, शफा मेरा पर्स तुम्हारे बैग के अंदर रखा हुआ है। आई स्वर मैंने नहीं लिया था। फिर किसने लिया? मुझे नहीं पता ये मेरे बैग में किसने रख दिया है। मैं तुमसे नाराज हूँ। मैं चोर नहीं हूँ, मैंने नहीं लिया था आपका पर्स। एक आइडिया है। क्या है आइडिया? सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं। ओके। हाँ सीसीटीवी कैमरा। प्लीज क्या आप सीसीटीवी चेक कर सकते हैं? हाँ। गजल तुम चोर हो? देखा मैंने नहीं लिया। उसे पकड़ते हैं। चलो। गजल जो तुमने पर्स चोरी किया था उसका इल्जाम शफा पे लगा था, लेकिन अब सच्चाई सामने है। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। तुम्हारी वजह से शफा पे चोरी का इल्जाम लगा। सब शफा से खरीदते हैं, कोई मुझसे नहीं लेता। तुम्हें अरेस्ट करूंगा मैं। मुझे माफ करना शफा। माफ किया। तुम बहुत ऑनेस्ट हो। दूसरों का नाम खराब करना आसान है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा सबके साथ अच्छा करें। मुझे वापस तो मैं अभी देखती हूँ। गजल तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती क्या? शफा अपना काम करो। गजल गजल रेम चलो उठो, ये मेरी जगह है बैठने की। नहीं मेरी जगह है, मुझे शफा के पास बैठना अच्छा लगता है। उठ रही हो या फिर नहीं? मेरा दिमाग मत खराब करो, जल्दी से उठ जाओ। गजल ये रीम की जगह है तो अपनी जबरदस्ती मत करो। शफा तुम अपने काम से काम रखो, टांग मत अड़ाओ। दिमाग ही खराब कर देते हैं। मुझे तुम्हारे पास बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तमीज में रहो, नहीं तो तुम्हारा हाल भी रीम जैसा होगा। तुमसे मुँह लगने बेकार है। रहो। गजल बहुत ही शैतान बच्ची है। मुझे लगता है कि वो बहुत ताकतवर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग मेरे ही बारे में बात कर रहे हो। तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा था। जब मैडम कुछ पूछेंगे तो तुम में से कोई नहीं बताएगा। मैं बेस्ट स्टूडेंट हूँ और मैं ही आंसर दूंगी, समझे? ओके ओके। अब मुझे थोड़ी थोड़ी भूख सी लगने लगी है। तुम्हारे पास कुछ मीठा है शफा? है, लेकिन मैं दूंगी नहीं। मुझे जबरदस्ती करने पे बिल्कुल भी मजबूर मत करो। ओके ओके देती हूँ। लो। मुझे और चाहिए। अब नहीं है। तुम्हारे पास है, जल्दी से दे दो। सच में नहीं है। चलो बैग दो। लॉलीपॉप्स हैं। एक और पैकेट निकला। अपना बैग दूर रखो। मजा आ गया। तुमने मेरे स्वीट ले लिए, मैं मैडम को कंप्लेन करूंगी। हाँ मुझे डर नहीं लगा। रीम चलो स्विच निकालो अपने। नहीं मैं तुम्हें नहीं दूंगी। हाँ जल्दी से दो। ओके ओके। और दो। ओके मैं तुम्हारी मैम से कंप्लेन करूंगी। हिम्मत है तो करके दिखा देना। चलो तुम भी अपने स्विच दो। नहीं है मेरे पास, मुझे दूर चली जाओ। बैग दो, मैं चेक करूंगी। गजल तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? शफा तुम इससे दूर रहो। ये रहे लॉलीपॉप्स। मेरा बैग दे दो, मैं अपने पैसों से स्वीट्स लेकर आई थी। रोना बंद करो। इन लड़कियों से तो मैंने बहुत सारे स्वीट्स ले लिए। चलो अब खाऊंगी। क्या देख रही हो मुझे? क्योंकि तुमने हमारे स्वीट्स ले लिए हैं। बदतमीज कहीं के।
जाओ दीवार के पास जाकर खड़े हो जाओ। नहीं होंगे तो क्या करोगी? तुम्हें ऐसा करना ही होगा। ओके गजल होती हूँ। जल्दी से जाओ, हिलना मत, समझी? शकल क्या देख रहे हो? जाओ, तुम भी सोचो। हाथ ऊपर। काश कैसे क्लास में ना होती। हाँ, रीमेक आइडिया है। क्या? मैं बोलूंगी कि बाथरूम जा रही हूँ और जाकर प्रिंसिपल से कंप्लेन कर दूंगी। आइडिया अच्छा है, पर काम करेगा? गजल, क्या बाथरूम जाना है? ओके। मैम, क्या हुआ शफा? मैम, गजल हमें परेशान कर रही है और हमारे स्वीट्स भी ले लिए हैं, ऊपर करके खड़ा कर दिया है। ऐसा बच्चों के साथ वो कैसे कर सकती है? मैम, ये इसका रोज का काम है। आज मैंने सोचा उसे सबक सिखाऊंगी। अभी बताती हूँ उसे। चलो चलिए। बिल्कुल भी हिलने की जरूरत नहीं है। अरे वाह, क्लास में क्या चल रहा है ये गजल? प्रिंसिपल मैम। हाँ प्रिंसिपल, गजल ऐसे क्यों खड़ा किया है इन लोगों को? मेरी बात नहीं सुनते वो लोग। तुम टीचर हो जो तुम्हारी बात सुनेंगे? मैं सबसे बेस्ट स्टूडेंट हूँ और किसी को परेशान करके इंसान बेस्ट नहीं बनता, वो अपने मैनर से बेस्ट बनता है। बच्चों अपनी सीट पे बैठो। चलो इन सब का सामान वापस करो। ये सब स्वीट्स क्यों लिए इनके? क्योंकि मुझे भूख लगी थी। तमीज में रहो और इन सब का सामान वापस करो। ओके। तुम्हें अपने बिहेवियर पे शर्म आनी चाहिए। यहाँ पढ़ने आई हो या लड़ने? तुम भले ही इंटेलिजेंट हो या स्ट्रॉन्ग, अब किसी को परेशान नहीं करना। समझ गई मैम। अपने क्लासमेट से माफ़ी मांगो तुम। ओके सॉरी शफा। दोबारा ऐसा नहीं करोगी तभी माफ करूंगी। ओके आई एम सॉरी रीमा सोसो। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुमने क्लास के बच्चों को हर्ट किया है और उन्हें परेशान किया है। दोबारा ये सब क्लास में करने की कोशिश मत करना, समझ गई? जी मैम। अगर इसने फिर से तुम लोगों को परेशान किया तो बताना। ओके। तुमने जो हरकत की है इसके लिए तुम्हारे पेरेंट्स को बताना पड़ेगा। नहीं, तुम यही डिजर्व करती हो। मेरी मम्मी बहुत डांटेंगी, मुझे माफ कर दीजिए। बात यही खत्म करो, अब जैसा किया है वैसा भरो। मजा आ गया, इसको पनिशमेंट मिली। थैंक गॉड मेरे स्वीट वापस मिल गए। तुम पागल हो। मरियम बेटा, अकेले क्यों बैठी हो? तुम्हें भी लड़कियों के साथ खेलना है? ठीक है बच्ची, तुम लोग मरियम को अपने साथ क्यों नहीं खिला रहे हो? हम उसे अपने साथ नहीं खिलाना चाहते हैं। वो हमारे साथ नहीं खेल सकती क्योंकि गेम बिगाड़ देती है। हाँ। गलत बात है ये। चलो बेटे घर के अंदर चल के खेलते हैं हम। चलो बेटा यहाँ बैठकर आराम से टीवी देखो। चलो लड़कियों चलते हैं। चलो। मरियम तुम यहाँ लिविंग रूम में क्यों बैठी हो? अपने रूम में जाके देखो, लिविंग रूम में क्यों देख रही हो? हाँ। जल्दी से चली जाओ। रुको, उसे देखने क्यों नहीं दे रही टीवी? शर्म नहीं आती तुम्हें? ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? मॉम अपने रूम में देखेगी तो ज्यादा उसके लिए सही रहेगा। उसने अपने टीवी पर पानी गिरा दिया जिससे वो खराब हो गया। तो हम क्या करें? ये इस टीवी को भी खराब कर देगी। नहीं करेगी, उसे देखने दो टीवी। वो टीवी देखते टाइम हमें डिस्टर्ब करेगी, उसे जाना ही होगा। गलत बात है ये। मरियम मेरे साथ चलो तुम। पीछा छूट गया। हाँ, अब हम सब आराम से टीवी देखेंगे। हाँ। चलो आ जाओ, लंच रेडी है। ओके ओके। प्रे करके खाना खाओ। ये कितनी बुरी तरह से खाना खा रही है। इसके साथ हम खाना नहीं खाएंगे, ये अकेले ही खाएगी। क्यों?
देख रही हो कितनी बुरी तरह से खाना खा रही है ये। हाँ, अब तुम लोगों से क्या ही बोलूँ मैं। चलो मरियम मेरे साथ, तुम आराम से खाओ यहाँ। रुको रुको रुको, क्या हो गया? अब्दुल्ला मरियम को अपने साथ ले जाओ। नहीं, मैं नहीं ले जाऊंगा। पिछली बार मैं इसे ले गया था, इसने मुझे बहुत एम्बेरस किया था। ये तो गलत बात है, तुम्हें अपने साथ लेके जाना चाहिए। मुझे माफ करो, मैं उसे लेके नहीं जा सकता हूँ। लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ।